नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नाश्ते की एक रेसिपी बनाएंगे, तो ये बची हुई रोटियों से बनाएंगे और बहुत सारी सब्जियां होंगी, तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे और ये मैंने रात की बची हुई रोटियाँ ली हैं, तो थोड़ा सा सूख गई हैं, तो आप सॉफ्ट नहीं थोड़ा सूखी रोटी लें और मनचाहे टुकड़े में आप उसे काट लें। तो तेल गरम होने पर देखिए, सबसे पहले इसमें हम लहसुन को चॉप करके डालेंगे, सिर्फ एक लहसुन की कली ली है, और अब प्याज डाल देंगे। तो ये सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी लेनी है, बाकी आप रोटी की क्वांटिटी से ले लें। और यहाँ पर गैस को हमें तेज रखना है, फ्लेम को बिल्कुल हाई, ताकि स्टर फ्राई टाइप से सब्जियाँ फ्राई हो जाएं। थोड़ी सी गाजर डालेंगे, एक मिनट गाजर को कुक करके हम पत्ता गोभी और शिमला मिर्च डाल देंगे। तो सभी सब्जियों को हमें हाफ कुक करना है, बिल्कुल फुल कुक नहीं करना है और फ्लेम को हाई रखना है। इन्हें मिला लेंगे अच्छे से हम। फिर देखिए, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है, थोड़ा लाल मिर्च लिया है कुटा हुआ, और हल्का सा नमक। नमक कम डालें आप, क्योंकि रोटियों में नमक है और आगे सॉस में भी नमक होगा। अब यहाँ हम रोटियाँ डाल देंगे, जिनके बारीक टुकड़े किए हमने। तो देखिए, थोड़ा सा टमाटो सॉस डालेंगे, थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। अब आप यहाँ ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट से। इन सबको हम मिला लेंगे और देखिए कितना इंस्टेंटली इतना बढ़िया टेस्टी और हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया है। तो लीजिए, तैयार है ये चिली चपाती या चिली रोटी। रोटी भी है, बहुत सारी सब्जियां हैं और बहुत फटाफट बन गया है ये। तो बची हुई रोटियों से ये टेस्टी सा नाश्ता बनाइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।